फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पनीर पॉकेट्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। साथ ही इसको बनाने का एक और फ़ायदा है कि अगर आपके घर पर रोटियाँ बच जाती हैं तो भी आप इस स्नैक्स को बनाकर तैयार कर सकते हो। बच्चों को या बड़े को पता ही नहीं चलेगा कि आपने बची हुई रोटियों से बनाई है। और या फिर मेरी तरह आप एक्स्ट्रा रोटी भी बना सकते हो इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से एक चपाती को बीच में से दो पार्टों में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने मिर्ची का कूटा रखा है जिसमें लहसुन, हरा धनिया और बेसिक मसाले ही होते हैं। और या फिर आप यहाँ पर कोई भी चटनी लगा सकते हैं या फिर पिज़्ज़ा टॉपिंग भी लगा सकते हैं। सबका टेस्ट अपना अपना अलग अलग आता है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ लगा लें। उसके बाद यहाँ पर मैंने इसे और हेल्दी बनाने के लिए पनीर के पीसेज रखे हैं, क्योंकि बच्चे ऐसे तो पनीर खाते नहीं हैं, तो आप इस तरीके से भी बच्चों को पनीर खिला सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ स्प्रिंकल कर दिया है जिससे बच्चे इसे ईजीली खा पाएँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इस तरीके का बेसन का घोल बनाना है। इसमें मैंने बस थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च पाउडर डाला है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं डलेगा। अब हम इस तरीके से जो रोटी के साइड के एजेज हैं उन पर लगा देंगे, जिससे कि हमारी जो चपाती है वो बहुत अच्छे से चिपक जाए और जब हम इसे फ्राई करें तो ये खुले नहीं। तो अब इस तरीके से हम देखिए प्रेस करके इसको चारों तरफ से दबा देंगे जिससे अच्छे से पेस्ट हो जाए। अब इसे डिप करने के मैं दो तरीके आपके साथ शेयर करूंगी। तो एक तो आप इस तरीके से इनको डिप कर सकते हैं और फिर फ्राई कर सकते हैं, या फिर मैं आपके साथ एक और तरीका शेयर करूंगी। मुझे तो जो दूसरा तरीका है वो बहुत आसान लगता है, मैं उसी तरीके से करती हूँ। साथ ही मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से करें, और या फिर आप पहली बार मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं, और साथ ही पास में दिख रहे बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। देखिए, दूसरे में आपको इस तरीके से करना है, बर्तन में ही आपको डिप कर देना है और उसे दोनों तरफ से अच्छे से कोट करके और इस तरीके से फ्राई कर देना है। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम आपको मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा लो नहीं रखनी है, क्योंकि जो हमारी चपाती है वो ऑलरेडी सिकी हुई है। तो हम इसको यहाँ पर फ्राई कर लेंगे और ये हमारा बहुत ही यम्मी सा स्नैक्स बनकर तैयार है। बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। आप चाहें तो इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं। बच्चों के लिए कुछ नया और हेल्दी दोनों ही चीज़ हो जाएंगी। तो चलिए, अब हम इसे सर्व करने की तरफ चलते हैं। अगर आप इसे ब्रेकफास्ट में या लंच में खा रहे हैं तो आप इसे मेयोनीज और केचप के साथ इस तरीके से सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो ऐसी ही और नई वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो बाय बाय, मिलते हैं अपनी और नई चटपटी सी तीखी सी रेसिपीज़ के साथ।